हेलो प्यारे बच्चे, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसीसी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं वीडियो फेस टू फेस नहीं बना पा रहा हूँ किसी कारणवश, तो मैं सोचा मैं इसी को लिख कर फिर एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि वो भी व्यवस्था नहीं है कि मैं लिखते जाऊँ और एक्सप्लेन करते जाऊँ। तो अब अकेले होने के नाते मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। चलिए मैं सॉल्व करूँगा 7.6 के क्वेश्चन 7 से मैं शुरू करूँगा। क्वेश्चन थोड़े लेंदी है, लेकिन इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से किया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, मैं आपको बताया था खंडशः समाकलन। तो जैसे 7 क्वेश्चन देखिए है, यक्ष है, फिर क्या साइन इनवर्स यक्ष है, तो आप फिर यहाँ चाहे इसको पहला पद माने चाहे इसको पहला पद माने, तो मैं आपको बताया था पहला पद किसे मानते हैं, जिसका अधिकतर अवकलन एक होता हो उसी को अगर आप पहला पद मान लेंगे, या जिसको अगर अवकलन आसान हो कठिन होता उसको पहला पद मान लेंगे, तो आसान हो तो बात की बात है, लेकिन देखिए पहला पद हम इसको माने हैं और दूसरा पद इसको मान, आप इसको पहला या इसको दूसरा पद मान सकते, इसमें का दिक्कत नहीं है। देखिए मैं सूत्र बनाया यू और भी को, और इसको पहला इसको मान लें, तो इसको देखिए पहला पद और दूसरा पद माइनस समाकलन पहले पद का अवकलन, दूसरे भी का समाकलन, दूसरे का समाकलन का समाकलन, इसको मैं विस्तार से आपको बताया था। चलिए अगर इसको नहीं समझ आता आपको तो इससे दिक्कत नहीं है, इसको पहला पद माने इसको दूसरा पद का होता, पहला पद समाकलन दूसरा पद माइनस पहले पद का अवकलन दूसरे पद का समाकलन का समाकलन, क्योंकि समाकलन का समान मतलब कोष्टक के बाहर समाकलन लगा दिया हूँ। चलिए तो यस का ये तो पहला इसका कुछ होगा नहीं, इसे उतार दें हम साइन इनवर्स यक्स, अब इसका समाकलन करना आते हैं, एक घर छिपा है ना, तो अंश और हर में जोड़ देते हैं, तो बता दिए हूँ मैं। चलिए ये माइनस से माइनस उतार लिया हूँ, ये समाकलन चिन्ह उतार दिया हूँ। देखिए इसका हम जब हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे साइन इनवर्स का, तो मैं पीछे बहुत बार बताया हूँ किसका अवकलन का होता है 1/√1 − x² होता है, और इसका समाकलन जब करेंगे तो क्या हो, एक घात है तो एक घात ऊपर एक घात नीचे जुट जाता है, यानी x² / 2 हो जाएगा, ये dx हो गया। चलिए इसको यहीं लिख दीजिए, इसको उतार दिया हूँ मैं, देखिए 1/2 इसको मैं कॉमन ले लिया हूँ, यहाँ बुरा एक्स में बुरा x² हो गया 1/√1 − x², देखिए यहाँ सब समाकलन हो नहीं सकता है, तो एक तकनीक है कि माइनस को हम प्लस बना दिए, माइनस के अंदर भेज दिए, तो ये प्लस माइनस मिलकर फिर से माइनस हो ही जाता है ना। देखिए ये माइनस यहाँ का किए हैं, इसे उतार दिया हूँ मैं, माइनस को अंदर कर लिया हूँ, एक जोड़ दिया हूँ, एक का कर दिया हूँ घटा दिया हूँ, देखिए एक जोड़ा है प्लस है ना, यहाँ माइनस जोड़ दिया हूँ, तो इसको एक बना दिया हूँ, एक एक इसको बना दिया हूँ, तो इसके नीचे पूरा लिख सकते हैं एक के नीचे, क्योंकि हर दोनों का क्या है बराबर है। तो देखिए ये रूट में है, रूट में नहीं है, कटेगा तो रूट में ऊपर बच जाएगा, नीचे रूट का हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, ये बहुत विधवा जानते हैं कि कड़ी से बिना कड़ी के कोई संख्या हो एक हो नीचे का हो, कड़ी में एक सौ तो ऊपर वो लिख सकते हैं, कड़ी में एक सौ गुड़े कड़ी में एक से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान एक सही होता है, इसी हिसाब से ये कहा कट गया है। अब माइनस यहाँ ये है तो 1 − x² हो गया है। अब देखिए ये उतार लिए हम, अब देखिए इसका आप सूत्र जानते हैं, मैं आपको सूत्र बताया था कि 1 − x² का सूत्र का होता है एक सवाई का होता है 2 होता है 1√1 − अगर इसको हम ए बताए थे मान के, तो यहाँ ए हो जाता 1 − x² हो जाता, फिर क्या होता प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक सवाई ए बताया, तो यहाँ ए के स्थान पर क्या है 1 है, तो 1 से हमारा मतलब है नहीं, वही सूत्र मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो ये हो गया प्लस साइन इनवर्स x/2, यहाँ लिखने के हम यहाँ लिख दिया हूँ। अब देखिए इसका तो सूत्र जानबे करते कहा था साइन इनवर्स होता है, इसका इंटीग्रेशन इतना होता है तो इसका अवकलन इतना होता है, तो इसका समाकलन इतना ही होगा, ये तो आपको समझ आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ा रहा हूँ, देखिए अब देखिए मैं सेम टू सेम इसको उतार दिया हूँ, देखिए प्लस है प्लस है 1/2, देखिए इसका 1/2 हम उतार दिया हूँ, इसका सूत्र है x/2 √1 − x² प्लस साइन इनवर्स x/2, ये साइन इनवर्स हो गया, यही उतारा हूँ। अब देखिए अंदर गुणा कर दें 2 का, 2 × 2 = 4 ये उतार दिया हूँ, अब देखिए 2 × 2 = 4 ये भी हो गया साइन इनवर्स x हो गया है, देखिए इसका इसमें नहीं गुणा होगा ना, इसका इसमें गुणा हम कर किए हैं, इसका ये मैं सोच के यहीं तक हो जाएगा, इस तक नहीं है, तो 1/2 साइन इनवर्स है, देखिए अब 1/4 है और 1/2 हो, इसको इसको मैं इकट्ठा यहाँ लिख दिया हूँ, आ इसको उठा कर मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ, 1 − 2/4 था लघुत्तम 4 होगा, तो 1 − 2 जगह तो माइनस बचेगा 1/2, तो 1/2 को माइनस था इसके आगे लिख दिए, प्लस था माइनस बना देगा ना साइन इनवर्स x, इसको मैं सेम टू सेम उतार, अब देखिए इसमें 4 है इसमें का 2 है, अगर इसका हम लॉसो लेंगे तो 4 होगा ना, तो 1/4 बाहर हो गया है, यहाँ 2 का नाम करना आ जाएगा 2 − 2 − x² − 1, इसका जब साइन इनवर्स लेके आप रफ पे इसी कॉमन लिखेंगे साइन इनवर्स एक सही है, तो यहाँ बचेगा 1/4, फिर क्या बचेगा
एक बटा दो तो आप करेंगे तो यही आ जाएगा आपका, कर लीजिएगा। आ देखिए सेम टू सेम उतार दिया, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए एक्स एफ का टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ देखिए इसको पहला पद मान, इसको हम दूसरा पद मान, क्यों इसको मानना है, क्योंकि इसका हमको समाकलन करना आसान पड़ता है, इसीलिए टेन इनवर्स को हम पहला पद में इसको दूसरा पद मान लिए। और सूत्र क्या होता है, पहला पद समाकलन दूसरा पद माइनस समाकलन पहले पद का अवकलन दूसरे पद का समाकलन मतलब यहाँ हो गया। अब चलिए यस का समाकलन जन्म करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू होबर करता है, माइनस से माइनस उतारते हैं, ये समाकलन चीज नहीं है। टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, वन अपन एक्स स्क्वायर होता है, और इसका समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, आप बहुत पहले जानते हैं। चलिए देखिए एक बड़े दो है, एक बड़े दो कॉमन है, इसको मैं यहाँ उतार लिया हूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर अपन वन अपन एक्स स्क्वायर हुआ, फिर वही काम किए हैं, यहाँ एक जोड़ दिए हैं और एक यहाँ क्या करिए, एक जोड़ दिए हैं और एक घटा लिख सकते हैं, एक जोड़ने तथा घटाने पर, घटाने पर देखिए एक जोड़ दिया घटा दिया, फिर इसके नीचे भी लिख सकता हूँ, इसके नीचे भी लिख सकता हूँ, ये पूरा कट गया, वन अपन एक्स स्क्वायर बचा, इसको एक बचे या वन अपन एक्स स्क्वायर। हम देखिए एक बड़े दो कॉमन है, यहाँ दोनों काम अगर हम समाकलन करें तो देखिए एक का समाकलन एक्स हो जाएगा, वन अपन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए यही चीज़ को मैं यहाँ उतार दिया हूँ, देखिए सेम टू सेम उतार दिया हूँ, बस इतना ही, एक बड़े दो काम अंदर गुणा कर दिया हूँ तो एक्स बाई टू आ गया है, एक बटे टू टेन इनवर्स एक्स। एक क्वेश्चन का हो गया आपका कंप्लीट होगा, अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन को फिर से बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने ही सॉल्व किया हूँ, 9 को आप स्वयं ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कैसे पता चलेगा आपको समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि 9 क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन जैसा एकदम सेम टू सेम है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स को मैं टी मान लिया हूँ, तो एक से अगर रोक दें तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए साइन का हो जाएगा टी हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए दोनों पक्षों का हम अवकलन किया हूँ, तो यहाँ एक से डी टी के साथ पिछ किया हूँ, तो एक से बटे डी टी, डी एक्स बटे डी टी हो जाएगा, यहाँ डी टी साइन टी, तो साइन का अवकलन क्या होता है, कास टी डी टी होता है, क्योंकि मैं टी डी एक्स यहाँ से गुणा कर दिया डी एक्स। जब देखिए साइन इनवर्स का लिए समाकलन मैं लगा हूँ, तो जहाँ डी एक्स वहाँ का ले सकते हैं कास टी डी टी, यही देखिए, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, इसको टी मान टी स्क्वायर और कास टी। अब इसको पहला पद इसको मान लिया, इसको दूसरा पद मान, इसको कहाँ मान लें, पहला पद माने, जैसे आपकी इच्छा हो हर जगह इसको मानते थे मान सकते हैं। तो पहला पद समाकलन दूसरा पद माइनस पहले पद का अवकलन दूसरे पद का समाकलन का समाकलन। अब चलिए कास का समाकलन क्या होता है, साइन टी होता है, ये तो हो गया तक। अगर टी का स्क्वायर का अवकलन का हो जाएगा टू टी होगा, अब साइन का क्या हो जाएगा, कास टी हो जाएगा। यही मैं दो यहाँ कॉमन ले लिया, उसको समीकरण एक बना लिया, क्यों बना लिया हूँ, क्योंकि इसको अगर पुनः खंड से समाकलन करते हैं इसको बार बार हमको साथ लिखते न जाना पड़ेगा, तो चाहे तो आप इस तरह रहने देना समीकरण बनाए तभी इसी से पुनः खंड से समाकलन कर सकते हैं, लेकिन आसान करने के लिए मैं खाली इतना ही को सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप नहीं सॉल्व ला के छोड़ रख दूंगा समीकरण एक में तो वहाँ पूरा कंप्लीट हो जाए, ये हमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो देखिए टी साइन टी को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, और उसी को हम पुनः खंड से समाकलन कर इतना कर रहा हूँ, ये छोड़ा हूँ लिखने के लिए, बार बार लिखना ना पड़े। तो देखिए इसको पहला पद, इसको मैं दूसरा पद मान लिया हूँ, तो पहला पद समाकलन दूसरा पद माइनस पहले पद का अवकलन दूसरे पद का समाकलन का समाकलन, तो साइन का अवकलन समाकलन का होता है माइनस कास टी होता है, और देखिए टी टी के सापेक्ष उसका एक हो जाएगा, और साइन का समान करना होता है माइनस कास टी होता है, और क्या है डी टी है, ये तो है ना। देखिए माइनस माइनस में क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये माइनस तो यहाँ आगे चला जा सकता है, जा सकता है ना, माइनस का माइनस टी कास्टी हो गया, माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस कर दिया, कास्टी हो, देखिए फिर ना इसका समाकलन करेंगे तो कास का समाकलन क्या होता है, साइन टी होता है, माइनस टी कास्टी प्लस साइन टी, देखिए इसी को हम समाकलन किए ना, तो यही मानो जाकर हम समीकरण एक में रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए टी स्क्वायर साइन टी तो है ही था, टू अंदर यही था ना, इसी के लिए हम स्थान पर मान रख दे रहे हैं, तो ये उठा कर अगर हम मान रख देते हैं तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, आप प्लस को क्या कर देगा, ये माइनस कर दे, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब देख रहे हैं का हमको मान रखना था, तो टी को क्या माने थे, साइन इनवर्स एक्स को ही टी माने थे, तो उसका मान स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, और साइन इनवर्स एक्स को टी माने थे, एक्स बराबर टी आया था ना साइन टी, तो साइन टी हम एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ माने थे देख लीजिए वहाँ टू टी टी बराबर का है, साइन इनवर्स टी है, आकाश का हमारा मान नहीं है तो इसको लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से, कास थीटा का तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ टी टी लिख दिए हैं, और टू है साइन टी को एक्स माने तो एक्स हो ही गया। अब चलिए एम सेम से मैं उतार लिया हूँ, इसको पहले दिया ये टू है साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स सही है, देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को साइन
को क्या मान एक्स मान सकते हैं, कहें साइन थीटा को साइन इनवर्स एक्स को आप टी माने थे तो एक्स बराबर साइन टी आया तो हम यहाँ मान रख दिए और ये उतार लिया हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको पहले या बाद में कहीं लिख सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स सही है तो एक्स यहाँ है, चाहे इसे यहाँ लिख लीजिए चाहे एक्स यहाँ लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं छूट गया है। देखिए अब देखिए साइन इनवर्स एक्स को एक समान है ना, एक समान लिए हैं एक साइन, इसको नहीं माने। देखिए इसको मैं पहले लिख दिया हूँ और इसको बाद में, इससे कोई इंटेंशन है नहीं। माइनस टू एक्स प्लस सी हो गया, ये क्वेश्चन का हो गया आपका कंप्लीट हो गया। मैं ये भी क्वेश्चन है यही या करके अथवा करके आप यहाँ लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन आप यहीं कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।